हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम डिस्कस कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, और उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। आइए अब हम अकाउंटिंग प्रोसेस को एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं। ABC तीन पार्टनर हैं, वो 31/3/2018 को डिसाइड करते हैं कि हम अपनी फर्म को डिसॉल्व करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, और ये उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31/3/2018 को, जिसमें फर्नीचर 5,000, स्टॉक 1,75,000, डेटर्स 2,40,000, बिल रिसीवेबल 30,000, कैश 10,000। अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें, क्रेडिटर्स हैं 2,75,000, एज लोन 30,000, और कैपिटल हैं ABC की 1,50,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रकार हैं, 20,000 ऑफ डेटर्स प्रूव्ड बैड, डेटर्स में से 20,000 जो हैं बैड प्रूव हुए, इट मीन्स रिमेनिंग अमाउंट रियलाइज होगी। बैलेंस अमाउंट जो है 240-20, तो 2,20,000 जो रियलाइज होंगे डेटर्स। बिल रिसीवेबल्स रियलाइज इन फुल अमाउंट मिल जाएगी। स्टॉक 170 रियलाइज होंगे, और जो फर्नीचर है वो बी के द्वारा बुक वैल्यू पर टू कवर किया गया है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 20,000। तो इससे हमें अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। डिसोल्यूशन में फर्म का बिजनेस समाप्त होगा, और जब फर्म का बिजनेस समाप्त होगा तो हमें अकाउंट सारे अकाउंट क्लोज करने होते हैं। इसलिए हम डिसोल्यूशन पर, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है, चार तरह के अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले, और ये चारों सीरियल वाइज बनेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट बनेगा, अगर दिया हुआ है पार्टनर का लोन अकाउंट इस क्वेश्चन में जैसे है। फिर तीसरे नंबर पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनते हैं, और लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट। पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो अलग बनाने का पर्पस ये है, क्योंकि थर्ड पार्टी की पेमेंट करने के बाद पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट की जाती है, और कैपिटल अकाउंट से, यानी कैपिटल से पहले पेमेंट करनी होती है। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट के बाद और कैपिटल अकाउंट से पहले जो है वो पार्टनर का लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। हेडिंग लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट में डेबिट क्रेडिट एज यूजुअल। पार्टिकुलर्स अमाउंट जो फॉर्मेट है उसको बनाएंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट ये फॉर्मेट है। अब जैसा हमने डिस्कस किया था 6 स्टेप, बिल्कुल वैसे ही स्टेप वाइज हम रियलाइजेशन अकाउंट को बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने बात की थी कैश और बैंक अकाउंट और फिक्टिशियस असेट्स छोड़ के जितने भी असेट्स हैं उनके अकाउंट को क्लोज करने के लिए हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास असेट है, फर्नीचर हमारे पास है 5,000, तो हम यहाँ पे 5,000 लिखेंगे। देन टू स्टॉक, और स्टॉक हमारे पास है 1,75,000। देन टू डेटर्स, टू लैख 40,000। देन टू बिल रिसीवेबल्स, और ये है हमारे पास 30,000 के। इसके बाद बचता है कैश, वो हमने नहीं लिखना है। फिर लाइबिलिटीज़ को बाय क्रेडिटर्स 2,75,000,
और उसके बाद एज लोन है, इसका लोन अकाउंट अलग से बनेगा, हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। हमने असेट्स को लिख दिया, लाइबिलिटीज़ को लिख दिया। अब बात आती है असेट्स को रियलाइज़ करने की, और यहाँ पे कैश दिया तो एंट्री कैश से कर देंगे बाय कैश अकाउंट। अब देखिए जो जो बोला गया है, डेटर्स जो हैं 20,000 बैड प्रूव हुए, तो डेटर्स आप लिखेंगे 240 माइनस 20, तो ये होंगे 220,000। इसके बाद बी आर जो हैं रियलाइज होते हैं फुल, तो ये 30,000 के हैं, इनसे 30,000 ही मिलेंगे। देन स्टॉक रियलाइज एट ₹170, स्टॉक जो है 170,000 रियलाइज होंगे। और इसके बाद जो है फर्नीचर बी के द्वारा लिया गया है, तो कैश में यही है, तो इसको जोड़ करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 0, 2, 3, 5, 7, 12, 1, 3, 4, 420,000 रियलाइज़ होंगे कैश असेट्स से रियलाइज़ होते हैं। इसके बाद जो फर्नीचर है वो बी के द्वारा लिया गया, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर टेकन, ये लिख सकते हैं, और ये 5,000 का है, बुक वैल्यू पे लिया गया है, इसको हम लिख देंगे। ये हमारे असेट्स रियलाइज़ हो गए। अब इनसे जो लायबिलिटी है उसकी पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स पेड, और कुछ नहीं कहा गया, तो हमने लायबिलिटीज़ को फुल पेमेंट करनी है 2,75,000। उसके बाद टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन के जो हैं एक्सपेंसेस, उनको पे किया गया, ये 20,000 हैं। तो ये असेट्स रियलाइज हो गए, लायबिलिटी की पेमेंट हो गई, एक्सपेंसेस की पेमेंट हो गई। अब हमें हमारा जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये पूरा हो जाता है और हमें बैलेंस करना है। तो हमने देखना है अगर डेबिट साइड ज़्यादा है तो लॉस होगा और क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है, इसको हम जोड़ते हैं 0, 5, 10 और 5, 15, 1, 3 और 7, 10 और 3, 13, 4, 17, 17 और 7, 24, 2, 2 और 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7,45,000 यहाँ पे हम लिख देंगे। और यहाँ लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू या कैपिटल अकाउंट लिखेंगे ए बी सी। अब इसको बैलेंस करते हैं, 5 और 5, 10, ये 0 तो आ ही जाएंगी, 0, 1, 8, 8 और 2, 10, 5, 5, 10, 10 और 5, 15, 1, 8, 8 और 2, 10, 10 और 4, 14। फिर से देखिए एक बार, 3, 0, 5 और 5, 10, 10 और 5, 15, 1, 8, 8 और 2, 10, 10 और 4, 14, 1, 3 और 4, 7। 45,000 जो है वो हमारा लॉस आता है, और इसको बांटेंगे हम 5:3:2 में, और ये होगा 5, 5, 25, 2, 5, 20 और 2, 22, 22, 500, और फिर इसको 3, 5, 15, 1, 3, 13, 500 और 45×90, ये होगा 9,000। ऐसे 5, 10, 3, 3, 6, 9, 15, 1, ये होगा हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, हमें बनाना रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा स्टेप जो है वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट, और यहाँ पे हमारा पार्टनर जो है बी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीज लोन अकाउंट, वही फॉर्मेट, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कुछ खास है नहीं, हमें सिर्फ फॉर्मेट ही बनाने की ज़रूरत है। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स
और अमाउंट। लोन क्योंकि लायबिलिटी है और यहाँ पे बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और लोन है हमारा 30,000, यहाँ पे लिख देंगे टू कैश, पेमेंट कर दी जाएगी 30,000 और ये हमारा लोन अकाउंट जो है ये प्रिपेयर हो जाता है। ये है पार्टनर्स लोन अकाउंट। इसमें अगर इंटरेस्ट वगैरह की एंट्री है तो हम उसकी पोस्टिंग कर देंगे, नहीं तो बड़ा सिंपल सा है। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ तीन पार्टनर हैं तो कॉलम तीन बन जाएंगे, पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी और सी लिखते हैं हम, पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो बाय बैलेंस बीडी हो सकता है। बैलेंस आम तौर की बात करते हैं हम, आम तौर पे क्रेडिट बैलेंस होता है, कई बार डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन वो लिखा होगा यहाँ पे सारे बैलेंस जो हैं क्रेडिट हैं। तो यहाँ पे 1,00,000 ए का बैलेंस है कैपिटल का, बी का है 50,000 और सी का है 5,000। इसके बाद जहाँ जहाँ कैपिटल आया है वो सबकी हम एंट्री करेंगे। एक ये है बीज कैपिटल, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट ये एंट्री है, तो कैपिटल में यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे लिख देते हैं फर्नीचर टेकन और ये बी के कॉलम में आप 5,000 लिख देंगे, ए और सी में कुछ नहीं है। इसके बाद लॉस की एंट्री है तो लॉस से कैपिटल कम होंगी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होता है तो यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये है ए 22,500, बी 13,500 और सी जो है 9,000। अब इस क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई डिटेल हमारे पास नहीं है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए कैपिटल अकाउंट में हमें इंडिविजुअली देखना होगा, और अगर हम इसको देखते हैं तो सी का जो बैलेंस है वो डेबिट है तो इसको यहाँ लिख देंगे, और ए और बी का जो बैलेंस है वो क्रेडिट है उनको हम यहीं लिखेंगे, और यहाँ से फिर हम इसको इधर लिखते हैं। जैसा कि हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब कर रहे थे डिस्कस किया था, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद डेबिट बैलेंस है किसी पार्टनर का तो वो कैश लेके आएगा और एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और अगर उनके पास सरप्लस बचता है सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद तो वो लेके जाएंगे और एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। तो यहाँ पे क्योंकि डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी के अमाउंट लेके आई जाएगी सी के द्वारा और एंट्री होगी बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पे 4,000 ये बैलेंसिंग फिगर भी है और इसको आप लिखेंगे डेफिशिएंसी ब्रोट इन कैश। कैपिटल की जो डेफिशिएंसी वो कैश में लेके आई गई। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट, इनका जो भी है इसको हम बोलते हैं फाइनल पेमेंट, ए और बी को जो उनकी क्रेडिट है बैलेंस कैपिटल का उसको पेमेंट उनको
कर दी जाएगी, और इसका बैलेंस अगर हम करेंगे तो 20 5 और 5 10 1 3 और 7 10 1 3 और 7 10 77,500, और यहाँ पे 5 और 5 10 1 6 3 9 रेक 10 1 रेक 2 और 3 5। तो ये सिचुएशन है, ए जो है फाइनल पेमेंट के रूप में 77,500 लेके जाएगा, बी 31,500 लेके जाएगा और सी 4,000 लेके आएगा। सी की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, इसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 77,500, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 31,500 टू कैश अकाउंट, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, या अलग अलग भी एंट्री दोनों की कर सकते हैं। तो हमारे पहला स्टेप रियलाइजेशन अकाउंट बन गया, दूसरा स्टेप लोन अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, बीज लोन अकाउंट हमने बना दिया, तीसरा स्टेप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बना दिया। यहाँ से हमें पता चल गया सी लेके आएगा कैपिटल के डेफिशिएंसी के, और फाइनल पेमेंट के रूप में ए और बी को मिलेंगे। अब हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है हमें बनाना है कैश अकाउंट, तो इसको हम बैलेंस शीट की जगह यहाँ बनाते हैं। कैश या बैंक अकाउंट बनाने के लिए हमें जो है जो भी बैलेंस दिया है उस बैलेंस से शुरू करेंगे, और जितनी भी रिसीट हैं वो डेबिट साइड में और जितनी पेमेंट हैं वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और लास्ट में हमारा जो बैलेंस है वो बराबर आना चाहिए। ये कैश या बैंक अकाउंट जो है डिजोल्यूशन पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी बताता है। तो वही फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, ये है हमारा कैश अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दिया हुआ है तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपये दिया हुआ। अब जितनी भी रिसीट हैं वो डेबिट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पे एक तो रिसीट जो है ये है, तो यहाँ लिखेंगे टू, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये है असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स को बेचने से जो पैसा मिला, और ये है हमारा 4,20,000। इसके बाद और कोई यहाँ पे एंट्री नहीं है। इधर से हमने बाय कैश में क्रेडिटर्स की पेमेंट की है और एक्सपेंसेस पे की हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और दूसरा है बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स पेड, तो ये हमारे एक्सपेंसेस 20,000 और क्रेडिटर जी की जो पेमेंट है वो 2,75,000। इसके बाद लोन अकाउंट देखिए, यहाँ पे टू कैश ये पेमेंट है, तो यहाँ फिर से हम करेंगे बाय बीज लोन अकाउंट, और ये है 30,000 रुपये। इसके बाद जो पेमेंट हैं ये हमारी रिसीट है, तो इसको लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, और ये है हमारा 4,000 रुपये। और जो पेमेंट है ए और बी को जो पेमेंट की गई हैं उनको यहाँ पे लिख देंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट और बाय बीज कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट है 77,531,500। अब कोई आइटम नहीं बचती है, हम इसको बैलेंस करेंगे, और अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर है तो हमारा सवाल भी ठीक है। ये तो यहाँ पे 304, इसके बाद 1 और 2 3, और ये 4,34,000। यहाँ से देखते हैं 5 और 5 10 1 2 9 और 5 14 1
चार सात ग्यारह है, ग्यारह तीन चौदह, चौदह और सात 21 और दो 23, दो और दो 4, दोनों साइड 434,000, 434,000। इसका मतलब हमारा जो सवाल है ये बिल्कुल सही है। तो ये है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कि हमने एक न्यूमेरिकल की हेल्प से पूरा समझा है इसको। जब भी आपको डिजोल्यूशन पे अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होगी तो हमें चार अकाउंट बनाने होते हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद हम पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में हम कैश अकाउंट बनाते हैं। ये जो पार्टनर्स लोन अकाउंट है, ये लोन अकाउंट है फर्म के द्वारा पार्टनर से लिया हुआ, यानी कि फर्म की लायबिलिटी। पार्टनर का लोन दो तरह का हो सकता है, एक पार्टनर ने लोन लिया है जो फर्म का एसेट होगा, और एक पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ये जो फर्म की लायबिलिटी है। और अगर फर्म का एसेट है तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, पार्टनर की कैपिटल जो है उसकी, उसका भी अलग अकाउंट बनाएंगे और वो कैपिटल को उससे कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन करके उसको हम ख़त्म कर देते हैं, अगर वो एसेट साइड में फर्म के हो तो। ये है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा।